गुड मॉर्निंग। आज हम लोग शुरू करेंगे इकोनॉमिक्स बाय एस सुभा रेड्डी का चैप्टर नंबर 3, कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। इसके अंदर हम लोग ह्यूमन वांट, एलडीएमयू, एलईएमयू, कंज्यूमर सरप्लस, इंडिफरेंस कर्व और भी कई तरह के टॉपिक्स जो कि हमारे एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट हैं उनको कवर करेंगे। चलिए, ह्यूमन वांट। ह्यूमन वांट क्या है? एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द ह्यूमन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वांट्स। ह्यूमन वांट्स का मतलब है कि जो भी आप डिज़ायर कर रहे हो, जिस भी चीज़ को आप फुलफिल करना चाह रहे हो, उसके लिए आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कुछ करके उसको अटेन कर रहे हो, उसी को ह्यूमन वांट कहते हैं। अब मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे आना शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है आपका LDMU, जिसको फुल फॉर्म है लॉ ऑफ डिमिनिशन मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये क्या कहता है? पहला पॉइंट देखते हैं। द लॉ सेज दैट मोर अ कमोडिटी दैट एन इंडिविजुअल पजेजेज द लेस इज द यूटिलिटी दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम इट। हमने पिछले चैप्टर में आपको बताया था यूटिलिटी किसे कहते हैं, डिमांड किसे कहते हैं, और जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उनकी मैंने डिफिनीशन आपको बताई थी। कंजम्पशन किसे कहते हैं, सप्लाई किसे कहते हैं, ये सब मैंने आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसे जाके देख लीजिए, तो आपको ये लॉ ज़्यादा अच्छे से और क्लियरली समझ में आएगा। ये लॉ कहता है कि द लॉ सेज द मोर अ कमोडिटी दैट एन इंडिविजुअल पजेस द लेस इज द यूटिलिटी दैट इज डिराइव फ्रॉम इट। यूटिलिटी यहाँ मेन जो रोल है, जो गेम प्ले है, वो यूटिलिटी का है। यूटिलिटी का मतलब होता है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, यूटिलिटी का मतलब है द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ ऑब्जेक्ट या ऑफ अ सब्सटेंस। वांट सेटिस्फाइंग पावर। अब किसी भी चीज़, कोई भी, इसके हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं कि कोई भी चीज़, एक मात्रा से ज़्यादा, अगर एक कमोडिटी एक अमाउंट से ज़्यादा आपके पास रहेगी तो धीरे धीरे उसकी जो यूटिलिटी है वो लेस हो जाएगी। मतलब जैसे एक टाइम बाद आप उसका कंजम्पशन करके आपको उसका सेटिस्फैक्शन, फाइनल सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, पूरी तरह से आप मतलब प्रसन्न हो जाओगे कि हाँ अब हमने इसको अच्छे से चख लिया है, ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ ख़राब है, आपको उसका अनुमान मिल जाएगा। उसके बाद जब आप फाइनली एक पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन पे पहुंच जाओगे, जिसके आगे पहुंचने पर आपको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, फिर आपका जो सेटिस्फैक्शन है वो आपके निगेटिव में जाने लगा, मतलब उस चीज़ को आप डिसलाइक करने लगोगे, उसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब एक लाइन में पढ़ें तो द लॉ सेज दैट मोर अ कमोडिटी दैट एन इंडिविजुअल पजेसेस। मतलब एक कमोडिटी जो जितना ज़्यादा एक मनुष्य के पास रहेगी, ज़्यादा क्वांटिटी में एक मनुष्य के पास रहेगी, द लेस इज द यूटिलिटी दैट इज डिराइव फ्रॉम इट, तो उतने ही कम यूटिलिटी आप उससे निकाल पाओगे। मतलब जो मैंने अभी आपको हिंदी में बताया कि जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ का उपयोग करोगे तो आपको एक मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। जब आपको कह रहा है कि आफ्टर द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन इज रीच्ड एनी फर्दर कंजम्पशन रिजल्ट इन डिसेबिलिटी दैट इज द कंज्यूमर डिराइव नेगेटिव सेटिस्फैक्शन। जैसा मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि जब आप किसी भी चीज़ का एक लेवल से ज़्यादा कंजम्पशन कर लोगे तो वो चीज़ आप, उसने आपकी यूटिलिटी को शांत कर लिया, अब एक्स्ट्रा जो यूटिलिटी है वो किसी काम की नहीं है। तो सिंपल सी बात है, एक चीज़ आपको एक बार पसंद आ गई तो वो हर समय उसको ही आप खाते रहोगे तो वो अच्छी नहीं लगेगी, एक टाइम बाद आप उसको हेट करने लगोगे। तो सेकेंड पॉइंट यही कहता है कि आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम द कंजम्पशन रिजल्ट्स इन डिसेबिलिटी या फिर नेगेटिव सेटिस्फैक्शन। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? द मोर एंड मोर वी हैव अ थिंग द लेस एंड लेस वी वॉन्ट इट। तो ये तो नॉर्मल सा चाइल्डहुड से हम लोग सीखते आ रहे हैं कि जो चीज़ ज़्यादा रहेगी हमारे पास वो चीज़ हमको कम से कम चाहिए होगी। फिर फोर्थ पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू मार्शल, मार्शल ने क्या कहा था? द एडिशनल बेनिफिट अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज ऑफ हिज स्टॉक ऑफ एनी थिंग डिमिनिश्ड विद द ग्रोथ ऑफ द स्टॉक ही हैज। ये भी उसी जो मैंने फर्स्ट पॉइंट समझाया था उसी से रिलेटेड, वही सेम है।
बस इसमें अंतर ये है कि जैसे ये कह रहा है द एडिशनल बेनिफिट अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन हिज स्टॉक ऑफ एनी थिंग डिमिनिश्ड विद द ग्रोथ ऑफ द स्टॉक ही हैज। मतलब आपके पास कोई चीज़ है, उसमें से कुछ चीज़ें ले ली गई, दोबारा से कुछ चीज़ें ऐड कर दी गई, तो उसमें ना कुछ इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ, है ना। तो इसका मतलब क्या है, वो चीज़ परमानेंटली रिमेन सेम रहेगी, जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यही कहती। अब इसको फर्दर एक्सप्लेन हम लोग ग्राफ के और टेबल के थ्रू करते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर कई पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग को समझना ज़्यादा ज़रूरी है टेबल या ग्राफ पे पहुँचने से पहले। जैसे पहला पॉइंट है आपका मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी इट इज़ द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय एन इंडिविजुअल बाय द कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी। मतलब ये है इट इज़ एन एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय एन इंडिविजुअल बाय द कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी। मतलब एक कमोडिटी का यूटिलिटी क्या होता है, उसकी वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है आपकी, आपने जैसे दो पोटैटो खाए, ठीक, आपकी यूटिलिटी शांत हुई, पर एक और एक्स्ट्रा पोटैटो खा के जो आपकी यूटिलिटी एडिशनल यूटिलिटी शांत हुई होगी, उसी को हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे। द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय एन इंडिविजुअल बाय द कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी। एक एक्स्ट्रा खा के आपको जो यूटिलिटी डिराइव हुई होगी या मिली होगी, वॉन्ट सेटिस्फैक्शन जो मिला होगा एक एक्स्ट्रा यूनिट कंजम्पशन करने पर, उसी को मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे। टोटल यूटिलिटी मतलब होल अमाउंट, पूरे सारे का कंजम्पशन करने पे जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा उसको कहते हैं टोटल यूटिलिटी। अब यहाँ पे एप्पल्स का केस लेते हैं। जैसे कह रहा है नंबर्स ऑफ एप्पल्स, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। नंबर ऑफ एप्पल्स, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। जब हमारे पास नंबर ऑफ एप्पल्स जीरो थे तो हमारी टोटल यूटिलिटी भी जीरो थी, मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ ही नहीं सकती ना घट सकती, वो तो नल रहेगी। जब आपके पास नंबर ऑफ एप्पल्स वन थे, आपकी टोटल यूटिलिटी 20 हुई, मार्जिनल यूटिलिटी भी 20 होगी, क्योंकि आपके पास एक ही एप्पल है। आप उससे ज़्यादा नहीं खा, एक ही है तो एक से ज़्यादा का कंजम्पशन कैसे कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी दोनों सेम पॉइंट ऑफ टाइम या सेम लेवल पर रहेंगे। जब आपके पास दो एप्पल्स थे तब आपकी जो टोटल यूटिलिटी थी वो 36 थी, बट आपकी मार्जिनल यूटिलिटी घटने लगेगी। क्यों घटेगी? क्योंकि टोटल यूटिलिटी आपकी बढ़ रही है बट मार्जिनल यूटिलिटी घट रही है, क्योंकि आपने एक यूनिट कंज्यूम किया, आपने एक यूनिट कंज्यूम किया बट आपका जो पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो धीरे धीरे मार्जिनल यूटिलिटी के थ्रू कम हो रहा है, बट टोटल यूटिलिटी, अभी हम लोग टोटल यूटिलिटी पे गौर करते हैं, ठीक है। हाँ, टेबल नंबर 3.1 पे देखते हैं यूटिलिटी शेड्यूल फॉर एप्पल्स। नंबर ऑफ एप्पल्स आपकी जब जीरो रहेंगे टोटल यूटिलिटी भी जीरो रहेगी, मार्जिनल यूटिलिटी तो नल रहेगी ही रहेगी। जब नंबर ऑफ एप्पल्स वन रहेंगे तब से हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं। एज पर द टेबल कंजम्पशन ऑफ फर्स्ट एप्पल गिव्स अ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 20 यूनिट्स, बाय द सेकेंड 16 यूनिट्स, द थर्ड 12 यूनिट्स एंड सो ऑन। The consumption of successive units of apple results in declining marginal utility, but remains positive till marginal utility becomes zero. इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आपके number of apples increase होते हैं आपकी total utility तो बढ़ रही है but marginal utility negative होती जा रही है, घटती जा रही है। अब जब हम लोग 6 नंबर ऑफ एप्पल्स कंज्यूम करेंगे तो आपकी टोटल यूटिलिटी 60 होगी बट मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो चुकी होगी। अब आपको टोटल यूटिलिटी 60 मिल गई
आपने टोटल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन अटेन कर लिया, आप फाइनली सेटिस्फाई हो गए 6 एप्पल्स खा के, आपको टोटल यूटिलिटी मिल गई। अब आप इसके आगे अगर खाने लगोगे तो फिर आप पहुंच जाओ पॉइंट नंबर टू पे। पॉइंट नंबर टू आपसे क्या कहता है, पॉइंट नंबर टू ने ये कहा था कि एक फर्दर कंजम्पशन के बाद आप उसको डिसलाइक करने लगोगे, नेगेटिव सेटिस्फैक्शन आने लगे। तो यहाँ पे भी देखिए, जब हम लोग 6 नंबर ऑफ एप्पल्स खाएंगे तो 60 होगा। अब जब 7th नंबर खाएंगे तो आपको वो चीज़ अच्छी ना लग के और निगेटिव सेटिस्फैक्शन आएगा, निगेटिव हो जाएगा वो। तो जब निगेटिव हो जाएगा तो आपकी टोटल यूटिलिटी घटने लगेगी और मार्जिनल यूटिलिटी जो जीरो में थी वो निगेटिव में जाने लगेगी। इसी को कहते हैं हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, LDMU। इसका ग्राफ एक बार देख लीजिए, अपना फोर्स और टिल्ट करके देख लीजिएगा। पहले वाले ग्राफ में, ऊपर वाले ग्राफ में देखिए टोटल यूटिलिटी का ग्राफ है, नीचे वाले ग्राफ में आपको मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ किया है। टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग विद अ डिक्रीजिंग रेट, टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग विद अ डिक्रीजिंग रेट। कैसे, जब टोटल यूटिलिटी आपने 6 नंबर ऑफ एप्पल्स खाए तो आपकी टोटल यूटिलिटी 60 थी, उस टाइम आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो चुकी थी, जैसे कि आप ग्राफ से देख पा रहे हैं। जो डॉटेड लाइन है वो, जो डॉटेड लाइन है वो आपकी यही, इसी जो ये डॉटेड लाइन है ये आपको वही दिखा रही है। ये टी यू पे ये जो पॉइंट था, यहाँ पे आपकी टोटल यूटिलिटी जो है वो 60 थी 6 एप्पल्स खा के, बट यहाँ पे आपकी टोटल मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो चुकी थी। ये एक पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस है जहाँ पे दोनों आपस में इंटरसेक्ट, मतलब एक तरह से पैरेलली दिखते हैं। बट इसके बाद हम लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ है वो नेगेटिव में जाने लगेगा और जो टोटल यूटिलिटी है वो अब डिक्रीज करने लगेगी। इसीलिए हम लोग टोटल यूटिलिटी को कहते हैं इट इज़ इंक्रीजिंग विद अ डिक्रीजिंग रेट। ये आ गई बात समझ में। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, LEMU। इसको हम लोग लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, इसको याद रखिएगा, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। पहला पॉइंट देखते हैं, द लॉ इम्प्लाइज दैट इफ अ पर्सन हैज अ थिंग विच ही कैन पुट टू सेवरल यूजेज, ही विल डिस्ट्रीब्यूट इट बिटवीन दोज यूजेज इन सच अ वे दैट ही हैज द सेम मार्जिनल यूटिलिटी इन ऑल। मार्जिनल यूटिलिटी का मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक फर्दर कंजम्पशन करने पे जो आपको अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन उस यूनिट को खाने से मिलता है उसी को मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। द लॉ इम्प्लाइज दैट इफ अ पर्सन हैज अ थिंग विच ही कैन पुट टू सेवरल यूजेज ही विल डिस्ट्रीब्यूट इट बिटवीन दोज यूजेज इन सच अ वे दैट ही हैज द सेम मार्जिनल यूटिलिटी इन ऑल। मतलब अगर आपके पास एक अमाउंट ऑफ मनी है या एक अमाउंट ऑफ इनकम है तो कंज्यूमर क्या करेगा, ही इज लेफ्ट विद द चॉइस मेकिंग रिगार्डिंग परचेजेस ऑफ कमोडिटीज एंड देयर क्वांटिटीज सो दैट परचेजेस दैट आर डिसाइडेड अपॉन इंश्योर हिम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। मतलब वो अपने सारी वस्तुओं को, सारे थिंग्स को या सारे मनी को या सारी इनकम को उस हिसाब से लगाना चाहेगा जहाँ पर उसे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन मिले, अपने पैसे को उस हिसाब से लगाना चाहेगा। अगर जैसे कहता है दो कंपनीज हैं, एक कंपनी का शेयर 20 रुपीज़ का एक शेयर है, एक कंपनी का 40 रुपीज़ का एक शेयर है, बट 20 रुपीज़ वाला शेयर आपको एक साल बाद 80 रुपीज़ का रिटर्न देगा पर शेयर पे, बट जो 40 रुपीज़ वाला है वो आपको सिर्फ 60 रुपीज़ का रिटर्न देगा। तो आदमी जो ए वाला शेयर है जो 20 रुपीज़ का आज है और कल को वो एक साल बाद 80 रुपीज़ का देगा, आदमी उस पे लगाएगा। क्यों? क्योंकि उससे वहाँ पर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। इसी वजह से इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस रहते हैं, उनकी बातें हम लोग आगे करेंगे। पहले सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, द कंज्यूमर एम्स एट मैक्सिमाइजिंग टोटल यूटिलिटी बाई कंज्यूमिंग पॉसिबल गुड्स एंड सर्विस given the income constraint. In this process, the consumer substitute the goods having greater utility for those which having lesser utility. इस लॉ में एक चीज़ कन्फर्म है कि आपके पास जो इनकम है वो एक पर्टिकुलर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इनकम है, आपको उसी के अंदर अपनी जितनी भी इच्छाएँ हैं, जितनी भी नीड्स हैं उनको पूरा करना है।
कंज्यूमर यहाँ पे एक पहला पॉइंट ये करेगा कि जिस प्रोडक्ट से आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा आप उसको चूज़ करोगे, ना कि जिससे कम। जैसे कि मैंने अभी शेयर का ऑप्शन बताया, तो आप ए वाला शेयर यूज़ करोगे क्योंकि ए वाले शेयर का जो प्राइस है वो कल को जाके आपको ज़्यादा रिटर्न देगा, ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। ये सेकेंड पॉइंट आपको यही कह रहा है। थर्ड पॉइंट, दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूड टिल द मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ द कमोडिटीज परचेज्ड आर इक्वलाइज्ड, हेंस द नेम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन। इसका मतलब है जैसे आपने कई सारी चीज़ें खरीदी, जब आपको लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी यही कहता है कि आपको सबसे सेम मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी, अच्छे से अच्छा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो सेम मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी, इसका मतलब क्या है कि जब सबकी इक्वी जो मार्जिनल यूटिलिटीज हैं वो सेम हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। जब सबकी मार्जिनल यूटिलिटी आपको कम मिलेगी, जब सबकी एक सबकी मार्जिनल यूटिलिटी सेम होगी। मार्जिनल यूटिलिटी सेम कब होगी? जब आपको हर प्रोडक्ट या हर सब्सटेंस से मैक्सिमम या इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, मैक्सिमम एंड इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, उसी को कहते हैं हम लोग लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इसका ग्राफ देखते हैं हम लोग। इसका ग्राफ यहाँ पे दो चीज़ें आपको ध्यान में रखती हैं, अजम्पशंस हैं इस लॉ में। पहला, आप कंज्यूमर को रेशनली बिहेव करना है, उसको प्राइस एट्रीब्यूट्स कमोडिटी हर चीज़ का फुल नॉलेज है। कमोडिटी जो आप चूज़ करोगे वो डिविजिबल होनी चाहिए। ये तीन पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे इस ग्राफ और इससे रिलेटेड जो नीचे टेबल दिए उस पर बात करते हैं। एक कंज्यूमर है, उसके पास 25 रुपीज़ हैं स्पेंड करने के लिए, ठीक है। ही हैज़ द ऑप्शन ऑफ स्पेंडिंग दिस अमाउंट ऑन 3 वेजिटेबल्स, पोटैटो, टोमेटो एंड रिज गॉर्ड। आपके पास 25 रुपये हैं, सिर्फ 25 ही रुपये हैं, और आपके पास इन तीनों को स्पेंड करने के लिए, इन उस 25 रुपये को स्पेंड करने के लिए ये तीन तरह की वेजिटेबल्स दी गई हैं, एक टोमेटो, एक पोटैटो, एक रिज गॉर्ड, ठीक है। द मार्जिनल यूटिलिटी दैट आर डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ दीज वेजिटेबल्स एंड द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड, ये आपको इस टेबल नंबर 3.2 में दिया हुआ है। नंबर ऑफ यूनिट ₹5 पर यूनिट, मार्जिनल यूटिलिटी जो है पर यूनिट ऑफ ₹5, ये तो है। फर्स्ट यूनिट ऑफ ₹5 ऑन पोटैटो गिव्स अ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 19 यूटिल्स। अगर पहला आप ₹5 आप पोटैटो पे खर्च कर रहे हो तो वो आपको कितने की मार्जिनल यूटिलिटी दे रहा है? 19 की मार्जिनल यूटिलिटी दे रहा है। अगर सेकेंड दूसरा आप खर्च कर रहे हो तो आपको 16 की दे रहा है। अगर तीसरा आप ऐसे ही खर्च कर रहे हो नंबर ऑफ यूनिट तो 14 की दे रहा है। जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी आपकी डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। बट जो कंज्यूमर है उसको इस हिसाब से उसको खर्चा करना है कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी मिले और कम से कम सिर्फ मैक्सिमम 25 रुपीज़ के अंदर ही उसको सब कुछ लेना भी है। तो अब मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द 3 वेजिटेबल्स, द कंज्यूमर हैज टू स्पेंड फर्स्ट 3 यूनिट्स ऑन टोमेटो, 1 यूनिट ईच ऑन पोटैटो एंड रिज गॉर्ड रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब है आप टोमेटो पे एक यूनिट आप खर्चा करेंगे पोटैटो पे, एक यूनिट आप खर्चा करेंगे रिज गॉर्ड पे, एक यूनिट आप और खर्चा करेंगे टोमेटो पे। ऐसा क्यों? क्योंकि टोमेटो की जो टोमेटो का प्राइस के हिसाब से देखें तो अगर आप एक यूनिट खरीद रहे हैं, एक यूनिट खरीदने पे आपको टोमेटो सबसे ज़्यादा मिल रहा है, 22 टोमेटो मिल रहा है, जबकि पोटैटो आपको सिर्फ 19 ही मिल रहा है ना। इस वजह से और कंज्यूमर क्या एम करता है? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो जहाँ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होगा कंज्यूमर उधर ही जाएगा। तो आप 22, 21 एंड 23 यूनिट्स आप टोमेटो की चूज़ करेंगे, एक यूनिट आप पोटैटो की चूज़ करेंगे और एक यूनिट आप रिज गॉर्ड की चूज़ करेंगे, 3, टोटल 5 यूनिट्स हो गए।
कोई और कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता है क्योंकि आपको मैक्सिमम 25 रुपीज़ ही खर्चा करने हैं और क्या नाम है टोटल यूटिल्स 100 हो गए हैं इसी वजह से। अब उस ग्राफ को हम देख लेते हैं। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है कि मार्जिनल यूटिलिटी तीनों में सेम रहेगी। अब जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं टोमेटो की मार्जिनल, पोटैटो की मार्जिनल और रिज बोर्ड की मार्जिनल, इक्वी मार्जिनलिटी सीधे तीनों सेम एक लाइन में चल रहे हैं, इसी वजह से ये है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इसको कहा जाता है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है कंज्यूमर सरप्लस। इसका पहले मैं डेफिनेशन बताता हूँ, फिर मैं इजी हिंदी भाषा में आपको इसकी परिभाषा बताऊंगा कि समझने के लिए कैसे याद करना चाहिए। कैन इट इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ मनी दैट अ कंज्यूमर एक्चुअली पेज फॉर बाइंग सर्टेन क्वांटिटी ऑफ गुड एंड द अमाउंट ही वुड बी विलिंग टू पे फॉर द सेम क्वांटिटी रेदर देन गो विदाउट इट। इसका मतलब है जैसे कंज्यूमर सरप्लस का मतलब है कि ये उन दो चीज़ों का अंतर है जिसमें क्या जो कंज्यूमर है जो खरीदने वाला है वो जिस प्राइस पे चीज़ को खरीदना चाह रहा है बल्कि वो किस प्राइस पर खरीदेगा। जैसे आप हो, आप एक मार्केट में गए, आलू वहाँ पे आपको 15 रुपए केजी मिल रहा है, आप उसको 10 रुपए केजी में खरीदना चाह रहे हो, है ना? यही तो है, आप उसको 10 रुपए केजी में खरीदना चाह रहे हो पर आपको पे कितना करना पड़ेगा 15 रुपए केजी। क्वेश्चन क्या कहता है, डेफिनेशन क्या कहती है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ मनी दैट अ कंज्यूमर एक्चुअली पेज फॉर बाइंग सर्टेन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। एक्चुअली आप कितना पे करोगे, 15 रुपीज़ पे करोगे एंड द अमाउंट ही वुड बी विलिंग टू पे फॉर द सेम क्वांटिटी। बट आप पे कितना करना चाह रहे हो, 10 रुपीज़ करना चाह रहे हो ना, आप पे एक्चुअली कितना पे करोगे 15, बट आप वॉट अमाउंट आर यू विलिंग टू पे 10, 15 - 10 = 5, आपका कंज्यूमर सरप्लस क्या है 5, सिंपल। आप जितना ये दो चीज़ों का डिफरेंस है मतलब माइनस है जिसमें कि पहली चीज़ वो है जो आप एक्चुअली में जिसका दाम दे के आओगे उसको हम उस चीज़ से माइनस करेंगे आप जितना दाम देना चाह रहे थे उससे, उसी को कहते हैं हम लोग कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस का भी हम लोग डायग्राम और वो देखते हैं, ग्राफ और इसका टेबल। कंज्यूमर सरप्लस क्या कहता है कि जैसे ये भी LDMU से रिलेटेड है, क्या कह रहा है कि जैसे टेबल 3.3 देखिएगा नीचे जो दिखी है, वेन अ पर्सन प्रिफर फॉर परचेजिंग अ मैंगो एट अ रुपीज ऑफ 5 ईच द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड इज इक्वलेंट टू ₹20 फ्रॉम द फर्स्ट मैंगो, ₹15 फ्रॉम द सेकेंड मैंगो, ₹10 फ्रॉम द थर्ड मैंगो एंड ₹5 फ्रॉम द फोर्थ मैंगो। मार्जिनल यूटिलिटी आपको ये मिल रही है, एट विच मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस आर इक्वल। मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस आपके सेम है, कहाँ पे सेम है, सबसे फोर्थ वाले फोर्थ मैंगो के कंजम्पशन खरीदने पर। कंज्यूमर फोर्थ मैंगो से आगे लेवल पे नहीं जा सकता क्योंकि जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी है वो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी से इक्वल है। इसी वजह से फॉर द कंजम्पशन ऑफ फर्स्ट 3 मैंगोज, पहले के 3 मैंगो के कंजम्पशन के लिए द कंज्यूमर एंजॉयज अ सरप्लस यूटिलिटी ऑफ ₹30। द कंज्यूमर एंजॉयज अ सरप्लस यूटिलिटी ऑफ ₹30, दिस इज द कंज्यूमर सरप्लस, दिस इज द कंज्यूमर सरप्लस। देयर इज नो कंज्यूमर सरप्लस फॉर द फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट के लिए कोई कंज्यूमर सरप्लस नहीं है। कंज्यूमर सरप्लस तब लगता है जब आप देना कुछ और चाह रहे हो और दे के कुछ और आओ, पर यहाँ पे आप 5 रुपीज़ ही देना चाह रहे थे फोर्थ क्वांटिटी में और 5 ही दे के भी आ रहे हो, तो यहाँ पे कोई कंज्यूमर सरप्लस नहीं लगेगा। इसी वजह से फोर्थ में आपका कोई कंज्यूमर सरप्लस नहीं है, बट 1, 2, 3
यूनिट्स ऑफ नंबर ऑफ मैंगोज खरीदते टाइम आपको 30 का कंज्यूमर सरप्लस देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग अपना, इनडिफरेंस कर्व। इनडिफरेंस कर्व क्या है? इनडिफरेंस कर्व अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंबाइंड प्रोडक्ट दैट गिव्स सिमिलर काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन टू अ कंज्यूमर देयर बाई मेकिंग देम इनडिफरेंट। एवरी पॉइंट ऑन द इनडिफरेंस कर्व शोज दैट एन इंडिविजुअल और अ कंज्यूमर इज इनडिफरेंट बिटवीन द टू प्रोडक्ट एज इट गिव्स हिम द सेम काइंड ऑफ यूटिलिटी। इसका मतलब क्या है? क्या कहता है कि जैसे इनडिफरेंस कर्व, इट इज अज्यूम दैट द कंज्यूमर इज रेशनल एंड अटेम्प्ट्स टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी। आप सेटिस्फाइंग पावर क्वालिटी गुड की अच्छी चाह रहे हो और आप रेशनल हो और आप एक पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ इनकम स्पेंड कर सकते हो, है? इनडिफरेंस कर्व कहता है कि द कंज्यूमर विल मेक अ चॉइस फ्रॉम अमंग मेनी गुड्स सो एज टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन फॉर देयर लिमिटेड इनकम। मतलब आप अपने जो आपकी जो इनकम है आप उसमें से जो मैक्सिमम अमाउंट या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन का प्रोडक्ट या सब्सटेंस है या फूड आइटम है आप उसको चूज करोगे, आप उसको चूज करोगे अपनी मनी इनकम लिमिटेड मनी इनकम के अंदर आते हैं तो उसी को हम लोग इनडिफरेंस कर्व कहेंगे। इनडिफरेंस कर्व क्या है? इट इज़ द लोकस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट वर इक्वली सेटिस्फैक्ट्री टू अ कंज्यूमर और टू विच द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट। कैसे? एन इनडिफरेंट कर्व इज डिराइव फ्रॉम अ इनडिफरेंट शेड्यूल, अ लिस्ट ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स अरेंज इन सच अ वे that consumer is indifferent to the combination preferring none of any other is called indifference schedule। मतलब यही है कि आप एक चीज को खरीदना चाह रहे हो और आप you are willing to buy a thing and you are having the power to purchase that commodity। आप एक चीज को जो कोई भी चीज है आप जिसको खरीदना चाह रहे हो, जैसे कि आप एक कार खरीदना चाह रहे हो उसका प्राइस है 5 लाख रुपीज, आपके पास है 7 लाख रुपीज, तो आप यहाँ पे इस क्राइटेरिया को क्वालिफाई कर रहे हो कि हाँ आप इस कार को खरीद सकते हो। जब आप उस चीज़ को खरीद सकते हो तो वो आपके जो इनकम है लिमिटेड इनकम उसके अंडर में आ गया, तो उसी को हम लोग कहेंगे इनडिफरेंस कर्व। और ये आपके मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन को डिफाइन करेगा, क्योंकि आपको वो कार पसंद आई है 5 लाख की तब तो आप उसको ले रहे हो। इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे रहेगा।